डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन के तत्वाधान में शुक्रवार को जिला महिला चिकित्सालय गोरखपुर के सभागार कक्ष में विश्व फार्मासिस्ट दिवस के अवसर पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में सेवा निर्मित प्रभारी अधिकारी फार्मेसी जीपीएन पांडे, विशिष्ट अतिथि के रूप में डीपी दीक्षित और ओपी पांडे मौजूद रहे। इस दौरान गोष्ठी का संचालन करते हुए एसोसिएशन के मंत्री डीके सिंह ने इस वर्ष के फार्मासिस्ट दिवस को कोविड-19 के जारी गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए गोष्ठी को संपन्न कराया। गोष्ठी में मुख्य रूप से अजय मिश्रा, ब्रजेश गुप्ता, ब्रजभूषण यादव, राजेश वर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसोसिएशन के महामंत्री डीके सिंह ने कहा, निश्चित रूप से फार्मेसी प्रोफेशन और फार्मेसिस्ट क्या मिली है उसको, क्योंकि हम लोग सेवा क्षेत्र में आए तो सेवा भाव से और अपनी बात प्रस्तुत करने की प्रेरणा मिली है। चाहे वो ग्रामीण क्षेत्रों में जो टीमें बनी हैं जिसमें घर घर जाके वो उनका ये था कि इनको हॉस्पिटल हैं लेवल 1 से लेवल 5 तक, वहाँ के मरीजों के लॉजिस्टिक सप्लाई का, औषधि की सप्लाई का और उनकी काउंसलिंग करने की अगर बात करें तो 500 से अधिक साथी संक्रमित हमारे हुए और 5 से ज्यादा लोगों की मौत भी हुई है इस कोविड के कारण पूरे प्रदेश में। क्या मिलना चाहिए, हमारी आवश्यकताएं मूलभूत क्या है, इसके बारे में विचार करने का समय पिछले 6 महीनों में सबको नानी याद आ गई है, कोरोना से सबको नानी याद दिला दिया। मैं डीके सिंह हूं और डिप्लोमा फार्मेसी स्टेशन का जनपद मंत्री हूं। आज 25 सितंबर 2020 है और आज के दिन 25 सितंबर के दिन वर्ल्ड फार्मेसी डे मनाया जाता है और पूरे विश्व में फार्मेसी से संपर्क से जितने भी लोग हैं वो आज इस दिवस को मनाते हैं। उसी क्रम में आज की ये बैठक की गई है जिसमें हमारे जनपद के रिटायर्ड और कार्यरत फार्मासिस्टों की एक बैठक हुई है और आज हम लोग अपनी उपलब्धियों पर, क्या हमको परेशानी है, क्या हम लोगों को मिला है, इस पर एक चर्चा कर रहे हैं।